नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर झारखंड सरकार अलर्ट मोड पर है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर झारखंड के सभी जिलों के डीसी को 26 बिंदुओं पर निर्देश जारी किया है। इसमें उन्हें विदेश से आने वाले यात्रियों पर खास नजर रखने का निर्देश दिया गया है। जारी निर्देश में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया है कि कोरोना रोधी टीका के दोनों डोज लेने के बावजूद हवाई यात्रा करने पर 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। विदेश से आने वाले हर यात्री को झारखंड आने पर 8वें दिन आरटीपीसीआर जांच करवानी होगी। वहीं उन्हें सरकारी व्यवस्था या होम आइसोलेशन में रहना होगा। साथ ही रांची एयरपोर्ट पर आने के बाद उन्हें शपथ पत्र देना होगा। उनसे किसी को कोरोना का संक्रमण होने का खतरा नहीं है। निर्देश में कहा गया है कि विदेश से आने वाले हर यात्री को सरकार की एयर सुविधा पोर्टल पर अपनी जानकारी और स्वास्थ्य का अपडेट अपलोड करना होगा। कोरोना पॉजिटिव होने पर लक्षण आने की सूचना पर पैच, कोरोना पॉजिटिव होने और लक्षण आने की सूचना देनी होगी। साथ ही उन्हें अपने आप को क्वारंटीन करना होगा। ऐसे सभी यात्रियों को जिला प्रशासन की निगरानी में रहना होगा। निर्देश में कहा गया है कि राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर को जिम्मेदारी निभानी होगी। साथ ही कोरोना को लेकर पहले की सभी गाइडलाइन को सख्ती से पालन कराना होगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।